हेलो फ्रेंड, दिस इज हिमांशु। मैं लाया हूँ आपके लिए आज बजाज चेतक। नाम तो सुना ही होगा आपने, वो पहले वाला बजाज चेतक नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हम बात करेंगे आज बजाज चेतक के बारे में, ये कितने का अवेलेबल होता है। ये अभी नया नया जस्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, काफ़ी कम शोरूम पे अवेलेबल होता है। मैंने रिक्वेस्ट करके इसके लिए इनसे रिक्वेस्ट की है, पीएल मोटर वालों से, इन्होंने मुझे वीडियो शूट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये वीडियो शूट करने के लिए अथॉरिटी दी। एंड जो शोरूम की लोकेशन है वो मैं आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसकी प्राइस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। स्कूटर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मस्कुलर है, दिखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। प्राइस लिस्ट क्या है वो सब बताऊंगा आपको। एंड चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो तो। आज खड़ा हूँ बजाज चेतक के सामने, काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी इस पर वीडियो बनाने की। फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बजाज चेतक, तो दिखाऊँ आपको बजाज चेतक। ये है अपना बजाज चेतक। एंड बात करते हैं पहले बजाज चेतक में, इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है और कितने की प्राइस ऑन रोड हमें पड़ रही है। एंड इसमें दो मिलते हैं आपको, प्रीमियम एंड अर्बन, दो आपको वेरियंट अवेलेबल होते हैं। तो पहले स्कूटर की बात करते हैं, फिर मैं बताता हूँ प्राइस क्या रहती है। ये हमारे सामने खड़ा है बजाज चेतक, दिखने में लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये बैटरी या एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल सकते हैं, ये दोनों में ही नहीं लगता, ठीक है। अब बात करूँ ना, मैंने जब इसको वीडियोस में देखा ना तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया इसका डिज़ाइन, बट अब मैं बात करूँ तो काफ़ी मस्कुलर प्रीमियम फील होता है आपको, बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूटर को देख के कि ये आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ठीक है। इसकी हेडलाइट की बात करूँ, इंडिकेटर की बात करूँ, साइड वेरिएंट की बात करूँ, फुट रेस्ट की, टायर की, हर चीज़ की, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं हम इसकी स्कूटर में क्या क्या मिल जाते हैं। आपको पहले यहाँ मिलता है अवेलेबल एक एलईडी लाइट, जो इसको एक थोड़ा डिसेंट परफेक्ट लुक प्रोवाइड करवा रही है, आपको एलईडी लाइट मिलेगी, ठीक है। एंड आजकल नया डिज़ाइन आ चुका है, लाइट आपको एलईडी मिलती है, बल्ब आपको इंक्लूडिंग उसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो फ्रंट का लुक इस टाइप का मिलेगा आपको। एक आपको ग्रिल मिलेगी क्रोम एंड ब्लैक फिनिश के साथ, चेतक की बीजिंग आपको मिल जाएगी, ये वो पुराना वाला चेतक ही है, हाँ भाई वही वाला। इसमें कुछ फील आपको मिलेगा अभी बताऊंगा, जो पुराने चेतक को आपको याद दिलाएगा। दोनों साइड में टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे एलईडी की लाइट के साथ, अभी जला के दिखाता हूँ आपको मैं। फाइबर जो इसका मड गार्ड है फाइबर में मिलता है आपको। टायर की बात करूँ तो टायर आपको 12 इंच का टायर आपको इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल हो जाता है, स्कूटर के अंदर। जो फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं मैं, इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन हमें दिया गया है, जो सिंगल वन शॉकर के साथ है, तो फ्रंट सस्पेंशन जो है वो है, मतलब आप बात कर सकते हैं जो फ्रंट सस्पेंशन लीडिंग लिंक सस्पेंशन बोल सकते हैं, लीडिंग लिंक के साथ आपको दिया जाता है, लीडिंग लिंक रोड के साथ दिया जाता है। ब्रेकिंग की सिस्टम की बात करूँ तो ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर है, अच्छा है, आपको कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम बात करूँ तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा है, कॉम्बिंग ब्रेकिंग सिस्टम आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी बेहतर है, मतलब दिखने में दिख रहा ही होगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी मतलब ऐसा इजीली आपको कोई चीज़ टच नहीं करेगी। एक आपको यहाँ पे चीज़ अच्छी लगी, आपको देखो नीचे मड फ्लेप दिया है, दिख रहा है, जो कीचड़ से बचाता है, तो मड फ्लेप आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं बात करूँ इसके साथ साथ इसकी फुट रेस्ट ही है, सॉरी साइड स्टैंड आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये साइड में जो चीज़ दी आप इजीली पैर रखे, और काफ़ी भारी भी है यार ये, मैं बात करूँ ना इसकी तो काफ़ी भारी लग रहा है। फुल स्टैंड हमें मिल जाता है साइड के, फुट रेस्ट काफ़ी मतलब भारी भी है, थोड़ी चौड़ाई अच्छी दी है ताकि पैर का सपोर्ट अच्छा मिले। वो लेडीज़ वगैरह हैं जिनको साइड में बैठने की आदत है, तो आप उनके लिए भी सबसे अच्छी बात है कि साइड में फुट रेस्ट दिया है, आप इस साइड दोनों पैर रखे आप बैठ सकते हैं।
सॉरी थोड़ी धूप आ रही होगी, आपको इजीली अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है, काफ़ी गर्मी है। फिजिक तरफ की बात करो तो वही आपको ब्लैकनेस के साथ क्रोम, हल्का हल्का क्रोम दिया गया है, चैतक की बीजिंग है दोनों साइड में, वही आपको हेलोजिन बल्ब के साथ ब्रेक लाइट मिलती है, बट इंडिकेटर जो है वो LED के साथ मिलेंगे। एक रिफ्लेक्टर दिया है साइड में अंदर, यहाँ आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं, जिसके नीचे आपको ये नंबर प्लेट लाइट अवेलेबल हो जाती है। 12 इंच का टायर है, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम, कॉम्बिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है काफ़ी। जो इसकी मोटर की बात करूँ, जो इसकी मोटर है यहाँ वाली, ठीक है, इस मोटर की बात करूँ मैं तो मोटर आपको मिल जाती है 4080 मोटर पावर जो है, इस पावर का ये है 4080 का। रेंज जो मैं बात करूँ इस गाड़ी की रेंज की, तो 95 किलोमीटर की आपको रेंज प्रोवाइड हो जाती है इस स्कूटर के अंदर, ठीक है, जो दिखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। लिथियम बैटरी इसमें यूज़ की गई है, जो बैटरी यूज़ की गई वो लिथियम बैटरी यूज़ की है। जो उसका चार्जिंग टाइम की बात करूँ मैं, जो चार्जिंग टाइम जो लगेगा इस गाड़ी के अंदर चार्ज होने में, वो चार्जिंग है टाइम बता दी कंपनी 5 घंटे, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 5 से 5.5 घंटे लग सकते हैं आपको चार्ज करने में। जो इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ, ठीक है, इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो है आपको 70 के आसपास, हालांकि बहुत कम है, थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए थी। जो रियर सस्पेंशन है वो मोनोशॉकर यूज़ किए गए हैं रियर सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। टायर आपको 12 इंच के मिलेंगे आपको, अर्बन एंड एक प्रीमियम दो वेरिएंट आपको अवेलेबल होता है। जो अर्बन होता है वो 1 लाख का अवेलेबल होता है, जो प्रीमियम है वो आपको 1,15,000 एक्स शोरूम प्राइस दे रखी है। हालांकि ये आपको मैं समथिंग में मान के चलिए 1.5-1 लाख के आसपास कुछ पड़ता है ये स्कूटर आपको, ठीक है। एंड इसके अलावा इसकी वारंटी की बात करूँ, बैटरी, हेडलाइट जो भी है, मोटर वगैरह सब बैटरी की, तो बैटरी आपको मिलती है इसमें 3 साल 50,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी अवेलेबल होती है। हालांकि बहुत होती है यार, बस ईयर वाइज कम है थोड़ा सा, हालांकि 5 साल देना चाहिए था इनको, क्योंकि 3 साल के अकॉर्डिंग तो बहुत कम है 3 साल, हालांकि थोड़ा ज़्यादा बैटरी का जो वारंटी है वो मिलना चाहिए था, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो। अब बात करते हैं गाड़ी में हमें क्या क्या मिल जाता है, ये तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। अब पहले बात करता हूँ मैं चाबी की तरफ, निकल जा भाई चाबी, हाँ इसको डाल रखिए इसमें, ठीक है, आपको एक चाबी इसका काम है। ये चाबी आपकी है, सिंपल सी चाबी मिलती है, इसको दबाना है एंड इसको दबा देना है, ये हो चुका आपका स्कूटर स्टार्ट, दिख रहा है आपको, एक सेकंड, कुछ साउंड आएगा एंड स्कूटर आपका स्टार्ट है। ये इंडिकेटर चला के दिखा देता हूँ, ये इंडिकेटर चला रखा है, ये जो मैंने लाइट दिखाई थी आपको, अब देख लीजिए क्या इफेक्ट लग रहा है। एक बार मैं इसके हेडलाइट जला के दिखा दूँ आपको, एक सेकंड, ये इसका हॉर्न है, ये दीजिए, ठीक है, हॉर्न देख लिया आपने, एंड ये बंद कर देता है इंडिकेटर को। सो ये लाइट हो गई फ्रंट का, ठीक है, एंड मैंने अभी इसको स्टार्ट कर रखा है अभी इस गाड़ी को। चाबी की जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी लग रही है चाबी दिखने में, ठीक है, एंड सिंपल सी चाबी है। आप यहाँ पे पुश बटन आपको अवेलेबल हो जाता है, पुश बटन स्टार्ट आप इसको कर सकते हैं। डिक्की ओपन थी इसलिए आपको ये साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, डिक्की इसको कैसे खुलती है बता देता हूँ, ठीक है, तो डिक्की आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके साथ मैं बताऊँ कि डिक्की ओपन करने का जो बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है, आप इसको दबाना है 3 बार एंड ये खुल जाएगी। यहाँ से खुलने के बाद आपको जो चार्जिंग का जो सॉकेट दिया है वो नीचे यहाँ अवेलेबल होता है। एक माइनस पॉइंट है कि जब चार्ज लगाएंगे तो आपको डिग्गी ओपन नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो चार्जिंग है वो आपका ये रहा, साथ साथ अवेलेबल हो जाता है ये चार्जिंग है इसका जब तक डिग्गी ओपन रहेगी। बूट स्पेस काफ़ी कम है, आप छोटा सा जो हेलमेट है वही आप रख सकते हैं इसके अंदर। एक आपको बूट स्पेस लाइट है आपको मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है, जो बूट लाइट है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। एक बंद कर देता हूँ, बंद हो जाए भाई, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम। मैं बात करूँ इस चीज़ की जो चेतक की आपको याद दिलाएगा, ठीक है, जो चेतक था इसका, एक चाबी मैं यहाँ लटका देता हूँ इसको यार, ये जो है आपको इसको दबा के रखना है, ये खुल गया है, देखा वापस एक बार पुश करना है, ओपन हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, यहाँ आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं ईजीली। ये आपका फर्स्ट एंड किट है, पाने पेचकस जो दिए हैं आप यहाँ बैंडेज वगैरह लगा सकते हैं। एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, एंड ये आपका फर्स्ट एंड किट है, ये टूल बॉक्स है, यहाँ आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, फ़ोन चार्ज लगाना चाहते हैं फ़ोन चार्ज लगा कर भी यहाँ रख सकते हैं। ये हो गया, ये आपको बजाज चेतक की याद दिलाएगा। इसका मीटर की बात करूँ मैं, ठीक है, ये मीटर है, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, स्पीड रेंज
अभी रेंज दिखा रहा है 60 किलोमीटर चलेगा। अभी जो चार्जिंग है, ये बैटरी चार्जिंग यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, ये न्यूट्रल में है अभी। एंड जो उसका हॉर्न है, हॉर्न मैंने आपको दिखाया, ये सिंपल सा है। ये हेडलाइट ऑन कर दी है मैंने, देखिए आप अभी लो हाई लो हाई इफेक्ट देखिए। सो ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने का है, ये इंडिकेटर, ठीक है। एंड इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें अंदर जो आपको दिखानी चाहिए मुझे, आपको रिवर्स गियर भी आपको अवेलेबल हो जाता है। जो साइड मिरर हैं वो आपको थोड़े डिज़ाइनर एंड थोड़े अच्छे डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अच्छा व्यू मिरर पीछे का जो व्यू है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है अच्छे से। ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, जिसकी ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है काफ़ी बढ़िया है। हालांकि ये तो पूरा फाइबर है, मीटर में थोड़ा और चेंजेस करना चाहिए था इनको, गूगल मैप वगैरह देना चाहिए था, ठीक है। इससे बेहतर तो मुझे सच मे बी TVS की लगी, हालांकि लुक की डिज़ाइन की बात करूँ तो ये बेहतर लगा मुझे, ठीक है। क्योंकि इसमें कलर आपको काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाते हैं, ब्लू भी अवेलेबल है, ब्लैक भी अवेलेबल है। ये थोड़ा भारी भरकम दिखता है, ठीक है, जिसको हल्के लेने वो TVS की तरफ जा सकता है। उसको थोड़ा डिफरेंट लेना है, सबसे अलग हटके लेना है, ये बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि आप बैटरी व्हीकल चला रहे हैं। तो ये दिखने में काफ़ी ईजी है। वारंटी वगैरह कंपनी ने काफ़ी 3 साल 50,000 की दी है, थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए। जो इसकी मैं बात करूँ इसकी रिम्स की, ठीक है, जो रिम दे रखी है वो काफ़ी अच्छी है एंड भारी भरकम दी हुई है, दिख रहा है आपको। 12 इंच के टायर हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ मटेरियल कैसा यूज़ किया हुआ है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है, डिस्प्ले का आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब फाइबर हैं, ये सब फाइबर हैं, ये यहाँ मेटेरियल यूज किया है लोहे का। सीटिंग की बात करो तो सीटिंग काफ़ी बढ़िया है। हाँ एक चीज़ और, यहाँ जो देखा ना ये, यहाँ आप कैरी बैग लटका। तो हमने पूरी बजाज चेतक देखी कि इस चेतक में हमें क्या क्या मिल रहा है, कितने की प्राइस पड़ रही है, मैंने आपको सब बताया। इसकी सर्विसिंग की बात करो तो अभी सर्विसिंग एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, जब मैं लेके जाऊँगा या फिर मैं पूछूँगा सर्विस सेंटर जाके तो मैं आपको बताऊँगा सर्विस कॉस्टिंग क्या रहती है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होते हैं। मे बी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई भी पार्ट्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एंड प्राइस लिस्ट की बात करो तो प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि आपको रेंज ठीक मिल जाती है 90 की, स्पीड लिमिट कम है, 70 की स्पीड दे रखी है, आपको थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी इसको। बाकी डिज़ाइन एंड कलर की बात करो तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। रेंज थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। इसकी पावर की बात करो तो पावर काफ़ी बढ़िया है, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया मिलेंगे आपको अगर लेने का सोच रहे हैं। बाकी थर्ड पार्टी कंपनीज है उनमें नहीं जाना चाहते तो आप इसमें जा सकते हैं, काफ़ी बेहतर एंड अच्छी स्कूटर है ये, ठीक है, जो दिख रहा है बजाज चेतक काफ़ी बढ़िया है। एंड वीडियो पर नया आया तो प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, लेने सोच रहे तो ले सकते हैं। आपको मैं शोरूम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकता हूँ, सेल्समैन के नंबर दे दूँगा आपको, आप वहाँ से जाकर कोऑर्डिनेट करके इसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है, आप ये ले सकते हैं। तो स्कूटर काफ़ी बढ़िया है, लेना चाहे तो जल्दी लीजिए, लेट मत दीजिए, ठीक है, बुकिंग करा सकते हैं, ले सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।